नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कैमरा कुकिंग विजय में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं अपनी और एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल मटर मशरूम लेकर आई हूँ मैं। रेस्टोरेंट जैसा ही मशरूम बनाना अब हो गया है बहुत आसान। अगर आप मेरी रेसिपी को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पास ही बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मशरूम मटर मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 200 ग्राम मशरूम, बटन मशरूम दिया है मैंने यहाँ पे। और इसको देख रहे हैं आप, थोड़ा सा ये रस लगा है तो मैं इसको छील कर काट कर आपको बताती हूँ। इसको हम क्लीन कर लेंगे पहले। ये मशरूम लेंगे पहले हम, और इसका जो छिलका है इस तरह से हम इसको पतला पतला छिलका हम इसे निकाल कर थोड़ा इसे हम क्लीन कर लेंगे। मैंने इसके छिलके निकालकर इसे क्लीन कर लिया है। अब पीछे से थोड़ा इसका जो मैं डंडी है ये कट कर लेंगे। ये देखिए, अब इसको हम मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं। मैं इसमें चार टुकड़े कर रही हूँ इस तरह से। एक मशरूम में मैं चार टुकड़े कट कर रही हूँ। इसी तरह से मैं बाकी भी क्लीन करके कट करके रेडी कर लेती हूँ। मशरूम को छील कर और काट कर टुकड़ों में मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं इसे गरम पानी में थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। इसे मैं गरम पानी में भिगो कर रख रही हूँ। केवल 5 से 10 मिनट हमें इसके अंदर रखना है ताकि ये और अच्छे से क्लीन हो जाए। यहाँ मसाला तैयार करने के लिए मैंने लिया है 2 बड़े आकार के प्याज जिन्हें मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, 2 बड़े साइज का मैंने टमाटर जो मैंने फाइनली चॉप किया है, और यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का अदरक का टुकड़ा लिया है, और मैंने लिए है यहाँ पे 10 से 15 कली लहसुन की और 4 हरी मिर्च और 2 तेजपत्ता। तो चलिए अब हम मसाला तैयार करते हैं। मैं 2 बड़े चम्मच तेल गरम होने के लिए रखा है। अब मैं इसमें डालूंगी, सबसे पहले डालेंगे हम प्याज, और प्याज डाल के हम सिर्फ हल्का लाल होने तक इसे भुनेंगे। बहुत ज्यादा इसे हम नहीं भुनेंगे। प्याज हल्के से लाल भुन गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन की कलियां, मिर्च को मैंने बीच से 2 टुकड़ों में काट लिया है, अदरक के टुकड़े, तेज पत्ता, सभी को डाल के मैं हल्का सा और भून लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, और टमाटर डालकर थोड़ा इसे सॉफ्ट होने दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, और नमक डालते ही ये थोड़ा जल्दी ही सॉफ्ट हो जाता है, और इसे मैं मीडियम फ्लेम में थोड़ा टमाटर गलने तक पकाऊंगी। टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और इसे थोड़ा ठंडा होने दूंगी, और मिक्सी में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला ठंडा होने के बाद मैंने इसको मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना दिया। बड़ा ही अच्छा कलर आया है। अब चलिए हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल गरम होने के लिए रखा है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच के करीब जीरा, और जीरा को हल्का सा भुनने दूंगी। जीरा अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी जो हमने मसाला पेस्ट तैयार किया था वो हम इसमें डालेंगे। अब इसमें हम मसाला डाल के इसे अच्छे से भुनेंगे, और जो हमने मिक्सी में मसाला लगा था उसको भी हम धोकर ले लेंगे। यहाँ पर मैं उस मिक्सर को भी धोकर ले रही हूँ, और अच्छे से मसाले को मैं इसमें पकने दूंगी। जब मसाला तेल छोड़ने लग जाए तब तक मैं इसे पकने दूंगी। मसाला मैंने थोड़ा सा इसे पकाया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, और साथ ही मैं डालूंगी 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और मसाले को थोड़ा मैं तब तक भूनूंगी जब ये मसाला थोड़ा थोड़ा किनारे में तेल छूटने लग जाएगा, तो समझो मसाला हमारा रेडी हो गया है। देखिए मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, मसाले में से तेल निकल रहा है, यानी ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी ग्रीन मटर, ये पहले से फ्रोजन मटर यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो हरे मटर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ये मटर डालूंगी मैं इसमें,
साथ ही मैं डालूंगी जो हमने मशरूम गरम पानी में रेडी करके रखा था वो मशरूम हम इसमें डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। मशरूम डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको ग्रेवी थोड़ी और पतली चाहिए तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कीजिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब दही। दही डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी, हमने जैसा कि मसाला भूनते समय इसमें नमक का उपयोग किया था तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, 1/2 चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर, और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और मिक्स कर मैं इसे ढककर 4 से 5 मिनट पका दूंगी ताकि मेरे मशरूम जो है थोड़े सॉफ्ट। मिनट हो गए हैं, चलिए अब हम सब्जी चेक करते हैं। ये देखिए ग्रेवी भी बिल्कुल सही लग रही है मेरे हिसाब से और मशरूम भी ये सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब मैं गैस फ्लेम को बंद करती हूँ और इसे हरी धनिया से गार्निश करती हूँ। अब मैं इसे सर्विंग बाउल में शिफ्ट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स मेरे रेस्टोरेंट स्टाइल मटर मशरूम बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आप सबको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हो अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।